नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है कुलदीप। आज हम जानने वाले हैं कि स्मार्टफोन से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कैसे किया जा सकता है। मैंने एक वीडियो में बताया है कि मैं अपना वीडियो कैसे शूट करता हूँ। आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से ग्रीन स्क्रीन को कम्प्लीट तरीके से रिमूव किया जा सकता है, और वो भी मोबाइल में, और वो भी फ्री। और मजे की बात यह है कि अपने ही नए पुराने स्मार्टफोन पर ही कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी बताऊंगा। और थंबनेल में देख ही लिया है कि हम काइन मास्टर में ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने वाले हैं। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर आ गया हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, और आपको प्ले स्टोर पर से काइन मास्टर नाम की एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल कर लेना है। और ये मेरा आइकन मैंने चेंज किया है, इसलिए डिजाइन दिखाई दे रही है आपको, लेकिन आपको स्क्वायर टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। पहले तो मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, इसके वो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, मीडिया फाइल पे मैंने ब्लैक कलर चूज किया हुआ, इसलिए सभी ब्लैक दिख रहे हैं। आप जो भी मीडिया फाइल चूज करेंगे वो दिखेगा। ठीक है, आपको अपनी वीडियो इनपुट करने के लिए पहले तो न्यू प्रोजेक्ट पे यहाँ पे प्लस का आइकन है, वहाँ पर क्लिक कर देना है। तीन ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास, जो भी आपको पसंद लगे वो चूज कर लीजिएगा। ये पहला वाला है 16:9, वो यूट्यूब वीडियो जो लॉन्ग वीडियो है उसकी साइज है। ये दूसरा वाला है यूट्यूब शॉर्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। वो तीसरा वाला है वो इंस्टाग्राम के लिए है। तो हमने यूट्यूब बनाना है तो मैंने चूज कर लिया 16:9। पहले तो हमें एक मीडिया फाइल इनपुट करनी होती है, उसके बाद ही पूरा प्रोसेस शुरू होता है। मीडिया फाइल चूज नहीं करेंगे तो कोई भी आपका काम यहाँ पे नहीं बनने वाला है, इसलिए मीडिया फाइल तो लगानी ही है। मैंने ब्लैक कलर का यहाँ पे रख दिया है। आप चाहे तो कोई भी कलर, कोई भी फोटो या वीडियो लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जैसे ही मीडिया फाइल के ऊपर एक बार क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाता है। और थोड़ी जानकारी और बता दूं आपको कि कैसे काम करता है। ये जो राइट में ले जाएगी, आप जितनी बड़ी करना चाहते हो अपनी वीडियो की लेंथ को, वो बड़ा कर सकते हैं। आप 2-3 घंटे की अपनी मूवी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल छोटा कर देता हूँ। मैं लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करते ही हमारे सामने कितने सारे ऑप्शन खुल गए हैं। मीडिया है, इफेक्ट्स है, ओवरले है, टेक्स्ट है, और हैंड राइटिंग भी है। ठीक है, तो हमने मीडिया चूज करना है तो हमने कर लिया। और यहाँ पे वो सारे फोल्डर खुल जाएंगे जो आपके मोबाइल में गैलरी या फोटो सेक्शन में होंगे, वो सब यहाँ पे दिखते हैं। और काइन मास्टर का भी एक है, देख लो यहाँ पे, वो काइन मास्टर की सारी कॉपीराइट फ्री फोटो है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। वो वैसे मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि मैं सभी फाइल तो आपको दिखा नहीं सकता, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो मुझे इस वाली वीडियो का ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना है, तो उसको अच्छे से सेट करना है एकदम परफेक्ट करने के लिए। ये हमारी लेयर फाइल को चूज करेंगे, अब ऊपर की मेन मीडिया फाइल है उसको चूज करेंगे, कट पे जाएंगे। हमें राइट साइड का पार्ट नहीं चाहिए तो उसको हमने कट कर दिया। देखा आपने, सिर्फ एक क्लिक किया और राइट साइड का पूरा भाग कट हो गया। वैसे मैं इनका एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि इसमें क्या चीज है और कैसे काम करता है ये सब। फिलहाल मैंने बताया, वैसे आप कर सकते हैं। आपने जो भी रिकॉर्डिंग की है उसमें अगर ग्रीन स्क्रीन के अलावा कोई दूसरा पार्ट भी आ गया है तो आप ये क्रॉप वाला ऑप्शन पे क्लिक करके, अगर इतने तक हमारी ग्रीन स्क्रीन कंप्लीट आ रही है तो हम ये कर देंगे, क्योंकि वरना वो रिमूव नहीं होगा, इसीलिए हमें परफेक्ट करना है। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर रिमूव करने के लिए हमें सिंपली इस पे एक बार क्लिक कर देना है और आ जाना है यहाँ पे, ये वाला है इसको क्लिक करना है एक बार और ऑन कर देना है। तो इस सॉफ्टवेयर ने अपने आप ही ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके हमें दे दिया, लेकिन हमें इसमें थोड़ा कस्टमाइज करना है क्योंकि कंप्लीट करना है। मुझे पता है कि मेरे ग्रीन स्क्रीन का कलर एक्चुअल क्या है, तो मैं यहाँ पे की कलर पे क्लिक करूंगा और आ जाता हूँ मेरे कलर पे। ये मेरा कलर है, ये जो मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ ये मेरे ग्रीन स्क्रीन का ओरिजिनल कलर है। तो आप भी अपने अनुभव से कुछ यहाँ पे क्रिएटिविटी लगा के सब कलर चेक कर सकते हैं कि मेरा ग्रीन कलर ओरिजिनल कौन सा है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट टिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। आपको लगेगा इससे अच्छा तो काइन मास्टर ने ही करके दिया, लेकिन नहीं, ये देखो यहाँ पे दो लाइन हमें दी गई है। राइट साइड में 28% है, उसको मैं ले जाके 40% कर दूंगा अच्छे से बराबर। और ये नीचे वाली लाइन है लेफ्ट साइड में, उसको कर देते हैं 98%। और देखो ये पहली लाइन तो अपने आप ही 39% पे आ गई, उसका क्या सिस्टम है पता नहीं, लेकिन ये जब हम 40 पे रखते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही 1% घट जाता है। और मेरा ये कंप्लीट है। ठीक है, बहुत प्रोफेशनल नहीं लगेगा लेकिन ठीक ठाक लगता है। तो लो, ये कंप्लीट हो गया ग्रीन स्क्रीन रिमूव। अब चला के देख लेते हैं। मैंने आवाज बंद कर दिया है क्योंकि मुझे आपको सिर्फ दिखाना ही है ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करना है। ठीक है,
तो अब हमने ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दिया। अब हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, थोड़ी लाइटिंग बढ़ा सकते हैं। ये पहले वाली लाइन का यूज है कि आप लाइट को बढ़ा या घटा सकते हैं। ऐसे ये लाइट बढ़ेगी, ये कम हो जाएगी, और ये हमने रख दिया मिडल। ये दूसरे ऑप्शन का मतलब ये है कि हमारी वीडियो का जो कलर है उसको घना करना या थोड़ा धुंधलाना। ये कलर और डार्कनेस को बढ़ा रहा है, देखो ये घना बना रहा है। इसका काम है कलर को बहुत ज्यादा तेज दिखाना या तो लोअर दिखाना। ये देखो, समझ गई बात। और ये तीसरा का तो मेन काम ही कलर है, इससे हम कलर बढ़ा सकते हैं या तो ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। ये देखो, ये हो गया ब्लैक एंड व्हाइट, ये फुल कलर। ठीक है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। लो मैंने कर दिया, ये हो गया परफेक्ट। अब देखते हैं, ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी आपकी मर्जी, आप इसमें कई सारे ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर में जो बटन है वो दबाना है, वो हम बाहर आ जाएंगे, फिर इसको एक बार क्लिक कर देंगे। हम वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं कैसा बना है कैसा नहीं। आपको सेम दो वीडियो बनाने हैं, उसमें थोड़ा वेरिएशन करना है तो आप इससे डायरेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपका समय भी बचेगा। ठीक है, इसका काम है, और डिलीट का ऑप्शन तो आप जानते ही है। हमें तो एक्सपोर्ट करना है तो हम शेयर पे क्लिक करेंगे, और कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे रिजल्ट का सारा ऑप्शन है, अगर मैक्सिमम और फुल रिजल्ट में चाहिए तो 1080, और यहाँ पे फ्रेम रेट को 60 पे रखेंगे, और ये जो लाइन है उसको खींच के 10 Mbps पे लाके रोक देंगे। माना कि यहाँ पे 4K क्वालिटी नहीं मिलती है, 1080 तक की मिलती है, आप जो भी मर्जी वो यहाँ पे रिजल्ट चूज कर लीजिएगा, वो अपने आप से ही सेट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 10 MB रखिएगा, क्योंकि आपकी फाइल जो है वो बड़ी हो जाएगी। लाइन पूरी खींच दी तो कितनी MB हो गई, 174 MB तक पहुंच गई। हमें सिर्फ 10 MB तक ही रखना है। यहाँ पे मैंने 10 MB सेट कर दिया तो वीडियो हो गया 60 MB का, वो बड़ा ही बड़ा ही है, क्योंकि हमारा वीडियो ही 1 मिनट का है भाई, इसके लिए हम इतनी बड़ी फाइल क्यों बनाए। और आप इससे छोटी फाइल भी रख सकते हैं, रिजल्ट में बहुत थोड़ा ही चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि ये आप ये रख लो 26 MB, तो ये अच्छा है। या तो आप 1000 वाला रख लो ऑप्शन, और इसको घटा के 5 पे ले आओ, या तो 4 पे रख दो, और उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला बटन है, यहाँ पे दबाएंगे तो वो वीडियो की लेंथ के हिसाब से एक्सपोर्टिंग में टाइम लगाता है। ये तो छोटी सी है, तुरंत ही हो जाएगी, और ये एक्सपोर्ट हो गए, आपके फाइल या गैलरी सेक्शन में दिखेंगी। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अच्छे से और सही से पता लग गया है कि ग्रीन स्क्रीन को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है अपने स्मार्टफोन। ऐसे ही अमेजिंग और नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप बांसुरी सीख रहे हैं तो ऑलरेडी कई सारे ट्यूटोरियल्स बना के अपलोड कर दिए हैं, और उसकी 4 प्लेलिस्ट बनाकर वहाँ पे डाल दी है, जिसमें आपको बॉलीवुड के कई सारे गाने, हिंदी सॉन्ग मिल जाते हैं सीखने को, और साथ में भजन कीर्तन भी मिलते हैं हिंदी, और गुजराती भजन कीर्तन भी आप सीखना चाहते हैं उसकी भी एक प्लेलिस्ट है। साथ में मॉर्निंग ट्यून सीखना चाहते हैं और बजाना चाहते हैं सीख रहे हैं, जरूर मेरी प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, आपको मजा आएगा। वहाँ पे जाके आप सभी वीडियो को एक बार चेक कर सकते हैं, और बड़ी अनोखी और काम की जानकारी दे रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्माइल।